नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। नमस्कार भाई लोगों, आज थे देख रहे हो झलको शेखावाटी और नीम का थाना के लिए। आज राजस्थान में ऐतिहासिक दिन है। आज कई दशक से, करीब 50-60 वर्षा से नीम का थाना की जिला की मांग जो लगातार उठ रही है। नीम का थाना में जो कपिल देव मोदी और ओम प्रकाश साई और मणिराम जाखड़, कविता सामोता, प्रेम सिंह बाजोर, पूर्व विधायक कांग्रेस का रमेश खंडेलवाल और ये सभी लोग, सवाई सिंह जो वर्मा वे और सुरेश मोदी विधायक नीम का थाना, ये समस्त लोग मिलकर मांग उठा रहा था लगातार नीम का थाना जिला की, जो लगातार गहलोत सरकार ने मंजूर भी करी और राजस्थान में 19 जिला बढ़ाया। गहलोत सरकार नीम का थाना को कई वर्षा की मांग में देखता हो या ध्यान भी रखा और आज नीम को थाना को स्थापना दिवस गुदौली रोड पर वेयर हाउस है जिमें मनाया गयो, जिमें हजारों लोग और कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जनसंख्या उपस्थित रही। बड़े मंत्री शकुंतला रावत, राजस्थान की मंत्री शकुंतला रावत और पूर्व जो खेतड़ी का विधायक है वर्तमान जितेंद्र सिंह, दूसरी चीज उदयपुर वाटी का जो विधायक है राजेंद्र गुड्डा और नीम का थाना का विधायक सुरेश मोदी, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता दीवान, उपाध्यक्ष महेश नगोतिया, ये सभी लोग, नीम का थाना का कांग्रेस का पदाधिकारी, ये सारा लोग ये कार्यक्रम में मौजूद रहा और भव्य उद्घाटन करियो और यहाँ वर्चुअल मीटिंग का जरिया राजस्थान जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत वे ही को उद्घाटन कराया वर्चुअल मीटिंग के जरिया, इंटरनेट का जरिया, मीटिंग का जरिया। और एक बाद में जिला कलेक्टर को छावनी जो गौशाला गोपाल गौशाला के सामने CDPO ऑफिस के पास संस्कृत महाविद्यालय में कलेक्टर ऑफिस को भी उद्घाटन करे ही बड़े कलेक्टर साहब बैठेगा। अब सीख कर थाना कौन जानो पड़ेगो, लेकिन साथ साथ देखो के कहे अधिकारी, बाकी सबकी रिपोर्ट सुना थाने और एक बढ़िया कार्यक्रम हो। और आज नीम का थाना जिलो अस्तित्व में आ चुके है। आज यह नीम का थाना की कई सैकड़ों वर्षा की मांग पूरी हुई है और नीम का थाना में जो ओम प्रकाश साई है आपको बलिदान दे दिया और पूर्व प्रधान वीरेंद्र यादव जो प्रधान प्रतिनिधि है, पूर्व सरपंच भी है, वर्गो देहांत भी हो गो, वे भी काफी जोर से मांग उठाया है लेकिन वरना अभी तक सम्मान कौन मिलियो। वीरेंद्र यादव ने भी सम्मान मिलना चाहे और ओम प्रकाश साई की भी मूर्ति लागनी चाहे और बाकी नीम का थाना में सबने साथ लेर चाड़ना चाहे और विधायक सुरेश मोदी का भी बार प्रयास रहा और आज से करीब 10-8 साल पहले पूर्व विधायक खंडेलवाल भी जयपुर तक की पैदल यात्रा कर जिला के लिए, इसलिए सबको योगदान है, धन्यवाद। और नीम का थाना की जनता ने बहुत बहुत शुभकामना। पत्रकार दीपक शर्मा के साथ थे, देख रहे हो झलको शेखावाटी नीम का थाना ताजा समाचार। ये पेज ना फॉलो करो, चैनल ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नीम का थाना। मैं यही चाहूंगा कि हमारे झुंझुनू और नीम का थाना के हमारे जितने भी युवा हैं उनको मैं रोजगार देना मेरी प्रथम प्राथमिकता। राजस्थान का नक्शा बदल दिया, एक भूगोल बदल गया कि इतने सारे जिले बनाए गए, किस तरह से प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं की गई है वहाँ पर, अब जो गांव है, जो नजदीक के गांव है, ठाणी है, तहसील है, उनको लाभ मिलेगा कि उनको कई किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा और नजदीक उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों की सुविधा मिलेगी। इससे सारे ही विभागों की जो सुव्यवस्थित तरीके से लाभ मिलेगा जनता को और सभी इनका थाना वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि सुरेश मोदी जी ने पैदल यात्रा के लिए छाले पड़ गए थे, उनको तोहफा मिला, राजेंद्र गुड़ा नारी सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा है, नारी सम्मान राजेंद्र भाई जी क्या करते हैं, मैं किसी भी विधायक हमारे माननीय सदस्य के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। इनका ये कहना था कि मैंने पैदल यात्रा जयपुर तक मांग करी और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री महोदय ने इनकी मांग पूरी जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए जिले की। मैं तो सारी जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि ये हम सब के लिए एक उत्सव का दिन है। आज से बढ़िया कोई काम हो नहीं सकता जिला बनने से, इसलिए जैसे दिवाली पे रोशनी करते हैं ना, वैसे पूरे इलाके में
दिवाली की तरह से रोशनी होनी चाहिए, दिए जलाने चाहिए, लाइटें जलानी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। थैंक यू।